दोस्तों स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। दोस्तों आज दिखाएंगे 27x65 डोमाल की सीरीज को किस तरीके से बनाया जाता है, उसकी कॉस्ट क्या आती है और उसमें लॉक कौन से लगाए हैं। एक्चुअली क्या होता है कि लॉक रेगुलर जो विंडो होती हैं उसमें जो हम लॉक लगाते हैं वो बिना चाबी वाले लॉक होते हैं, और ये जो विंडो बनाई है हमने इसमें हमने चाबी वाले लॉक लगाए हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है आप लोगों के लिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों देखिए, आप इस कटर से भी काम कर सकते हैं, मगर गुनिया बनाने के लिए जो टेक्निक चाहिए वो हर किसी के पास नहीं होती, वो थोड़ी सीखनी पड़ती है। देख सकते हैं इस कटर से ये काटी हुई है, ये कोई डिग्री कटर नहीं है और इसी कटर से हमने इसको काटा है। तो गुनिया करने के लिए थोड़ा टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं इस तरीके से 45 डिग्री में बनाना पड़ता है। दोस्तों ये हमारा व्हील लगाने का प्रोसेस चल रहा है, ये आप देख सकते हैं व्हील को किस तरीके से लगाया जाता है। हम व्हील को हमेशा डोर बनाने से पहले, यानी कि डोर को जोड़ने से पहले हम व्हील लगा लेते हैं, क्योंकि अगर हम व्हील को बाद में लगाएंगे तो हमारा सेक्शन में चौड़ाने में दिक्कत आएगी और व्हील लगाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो इसलिए हम पल्ले को जोड़ने से पहले ही व्हील को हमेशा लगा लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा एंगल लगाने का प्रोसेस चल रहा है। हमेशा याद रखें आप एंगल को आधी इंची का काटें, क्योंकि इसका जो गैप होता है उसके अंदर सिर्फ आधी इंची की एंगल ही आ पाती है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से एंगल को जोड़ा जाता है, और इसके लिए मैं अगर बता दूं तो इसके लिए आप जब भी एंगल काटें तो आधी इंची का यानी कि 13 mm चौड़ा एंगल इसका काट सकते हैं आप। तो हमने एंगल लगा दिया है और यहाँ पर देख सकते हैं इनमें हमने व्हील भी लगा दिए हैं। तो मैं व्हील दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं इनमें हमने व्हील लगा दिया है। दोस्तों ये मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि तीन पल्ले हैं तो तीन में व्हील लगता है, ये देख सकते हैं ये हमने व्हील लगा दिया है। और विंडो का प्रोसेस यानी कि कटिंग से लेकर सारा ही अब हो चुका है, केवल इसको इंस्टॉल करना यानी कि इसको जोड़ना बाकी रह गया है। आउटर को मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा आउटर रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें हम सीधे सीधे पल्ले डाल देंगे। तो इसको जोड़ने के लिए हमने एंगल का इस्तेमाल किया है, जैसा कि हमने आपको अभी दिखाया था वीडियो में, और यहाँ पर एंगल लगाई जा रही है पल्ले में, ये देख सकते हैं। दोस्तों ये हमारा जिंदल का सेक्शन है, क्योंकि ये देख सकते हैं इसकी जो पहचान है गुलाई में होता है थोड़ा सा, और जो लोकल सेक्शन आएंगे उस लोकल सेक्शन गुलाई में नहीं होगा, वो क्या होगा उसमें धारियाँ होती हैं। तो ये ओरिजिनल जिंदल सेक्शन है।
आप मार्केट में परचेज करेंगे तो इसी तरीके का सेक्शन परचेज कीजिए। जिंदल थोड़ा कॉस्टली होता है मगर काफ़ी अच्छे सेक्शन होते हैं। ये जिंदल की विंडो है, प्रॉपर हम जिंदल में इसको बना रहे हैं। दोस्तों ये ब्रश डालने का प्रोसेस हमारा चल रहा है, ये देख सकते हैं। ब्रश हमेशा डस्ट रोकने के लिए और साउंड रोकने के लिए हमेशा डाला जाता है, याद रखें। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने इसमें ब्रश डाल दिया है, व्हील भी लगा दिए हैं। तो देख सकते हैं आप, हमेशा याद रखें जब भी आप डोमाल विंडो बनाएं तो उसमें आपको व्हील डालने के बाद ये ब्रश लगाना। दोस्तों देख सकते हैं कलम किस तरीके से 45 डिग्री में हमने मिलाई है, इसमें किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से भी देख सकते हैं जोड़ने का तरीका, हम पूरा प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं। इधर से भी आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हमने एक पल्ला रेडी कर दिया और इसकी डिग्री देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इधर देख सकते हैं, ये इधर देख सकते हैं, तो हमने डिग्री में इसको बनाया है। अभी ये लास्ट, ये देख सकते हैं एक पल्ला हमारा बाकी रह जाएगा, देख सकते। दोस्तों विंडो हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ ग्लास डालना बाकी रह गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा लॉग कटिंग प्रोसेस चल रहा है, आप देख सकते हैं इसमें हमने जो मैंने, जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, की लॉक हमने इसमें लगाया, हमने इसमें नॉर्मल स्टार लॉक यूज़ नहीं किया, हमने इसमें की लॉक लगाया है ताकि उसको अपनी मर्जी से बंद किया जा सके और मर्जी से खोला जा सके। ये ऑटोमेटिक लॉक नहीं है, इसमें चाबी का इस्तेमाल किया जाता है इसको बंद करने के लिए, इसको खोलने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं अब हमने लॉक लगा दिया है खांचा काटने के बाद, आप देख सकते हैं इसमें कितनी फिनिशिंग आ रही है। तो इसी तरीके से लॉक के खांचे काटे जाते हैं और उसमें लॉक लगाए जाते हैं। तो दोस्तों हमारा लास्ट प्रोसेस अब सिर्फ ग्लास डालना रह गया है। पल्ले को सबसे पहले हम एक तरफ से खोल लेते हैं, उसके बाद हम उसमें ग्लास डाल देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके ग्लास डालने के बाद सेक्शन को लगा देते हैं और डोर को कस देते हैं। इसके बाद लास्ट प्रोसेस रह जाता है जो कि होता है हमारा पुश रबड़ का, जो कि हम पहले भी कई बार वीडियो में दिखा चुके हैं आपको। तो दोस्तों ये 2.5x4 की विंडो है और इसकी कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 7,500 रुपये के आसपास की ये विंडो बनाई गई है। तो दोस्तों देख सकते हैं विंडो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। ये हमने लॉक, मैं बता देना चाहता हूँ, ये लॉक देख रहे हैं चाबी वाले लॉक हैं, जो कि आपने पहले नहीं देखे होंगे। तो अब चाबी वाले लॉक भी डोमाल विंडो में हम यूज़ करते हैं। ये देख सकते हैं ये चाबी है और ये चाबी इस तरीके से लग जाती है, ये देख सकते हैं। तो इसमें चाबी वाले लॉक भी अब इस्तेमाल होने लगे हैं और ये देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा खोल के दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं ये हमने यहाँ पर, ये इसी तरीके की, जैसे कि हम बताते हैं एक सूत लेस करना है उसके लिए हमने इस्तेमाल किया। ये देख सकते हैं ये लॉक, ये इस तरीके से लग जाता है। ये हमारा जाली का पल्ला है, ये देख सकते हैं। और ये इधर हमारा जो आप देख रहे हैं ये वाला भी हमारा इस तरीके का ही लॉक है, ये भी चाबी वाला लॉक है। तो अब ज़्यादातर क्या है कि चाबी वाला लॉक इस्तेमाल होने लगा। और ये आप देख सकते हैं 5mm प्लान ग्लास हमने इसमें इस्तेमाल किया है, जैसा कि हमने आपको बताया। ये विंडो का लुक देख सकते हैं, विंडो काफ़ी अच्छी लगी हुई है। ये जाली जो है हमने इसमें 304 की इस्तेमाल की है। और ये रबड़ जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये रबड़ हमने इसमें EPDM का इस्तेमाल किया है, ये फुल EPDM रबड़ है। और मैं इस रबड़ को भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं ये फुल EPDM रबड़ है। इसका नंबर होता है 50 नंबर की ये रबड़ होती है।
तो देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।